बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनकी कमर में दर्द होता रहता है। ये फॉर्मुलेशन जो मैं आज बता रहा हूं बहुत इफेक्टिव है। अब यकीन जानिए, ये आम फॉर्मुलेशन नहीं है। सर्दियां शुरू हैं, बहुत से बुजुर्गों के कमर में दर्द होती है, पट्ठों में दर्द होती है, ये वाली जगह जो है पट्ठों में दर्द होती रहती है। कोई बुजुर्ग होते हैं, मां होती है, मां बाप है, बहन भाई है, कुछ भी है, जो भी है, किसी के भी कमर में दर्द होती है, पट्ठों में दर्द होती रहती है और घुटनों के अंदर चलते हुए कड़क कड़क की आवाज आती है, घुटनों में दर्द होती रहती है। सुबह को उठते हैं, जिस्म के अंदर स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि उठा नहीं जाता बेटा हमसे, उठने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थकावट बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी अगर बारिश होगी तो उसके बाद नजला जुकाम हो जाता है। ठीक, इन तमाम चीजों के लिए अगर ये फॉर्मुलेशन आप बनाकर खुद भी इस्तेमाल करें, अगर आप मैरिड हैं तो आपको इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं करता, इस फॉर्मुलेशन के साथ आप उधर भी फायदा बहुत ज्यादा होगा और आपके पट्ठों के अंदर ताकत आएगी। और अपने बुजुर्गों को बनाकर जरूर दीजिएगा ये, इंशाल्लाह उसके साथ आपको इसके साथ बहुत फायदा होगा। मैं पहले एक फॉर्मुलेशन लिखी हुई है, ठीक, दूसरी फॉर्मुलेशन आपको बाजार से भी मिल सकती है, लेकिन मैं उसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा। अगर आपने खुद भी वो फार्मूला बनाना होगा तो मिल जाएगा, वरना बाजार से मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैं फार्मूलेशन लिख रहा हूं, ये बाजार से आपको नहीं मिलेगी, ये आपको खुद ही लेना पड़ेगा और खुद ही इसको बनाना पड़ेगा। अब मेडिसिन में आपको बताता हूं, मैंने आपको बता दिया, अगर रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप हो चुका हो, कह देते ना कि मेरे मोहरों के अंदर गैप आ गया, ये इस्तेमाल कीजिएगा। चलते हुए, नमाज पढ़ते हुए जोड़ों में से टक टक की आवाज आती है, ये इस्तेमाल कीजिएगा। पट्ठों के अंदर दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं, ये इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी कोई काम करते हैं थकावट से जान निकल जाती है, ये इस्तेमाल कीजिएगा। हक्के ज़ौज़ियत पूरी करने के बाद आपको बहुत थकावट होती है, ये इस्तेमाल कीजिएगा। बूढ़े मां बाप हैं, उनके पेशाब नहीं रुकता और साथ पेशाब से कमजोरी हो जाती है और उनको कमर के अंदर दर्द बहुत होती है, झुक जाते हैं उसके बाद सीधे होने लगते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए भी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक फॉर्मुलेशन आपको बता रहा हूं कि ये है अश्वगंध 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, करीब ले लेना यार, सुंड 20 ग्राम, पुष्ट शीरी 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, मोस्टली सफेद। ये पाकिस्तानी ही लेनी है, इंडिया वाली लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पाकिस्तानी ले सॉरी पिपला मोल 12 ग्राम, सुरंजा शीरी ये 50 ग्राम डालनी है। मैंने इसलिए ही इसको हाईलाइट किया है सब चीजों को, ताकि आपको पता चले। हल्दी जो है वो 20 ग्राम। अगर मैं एक एक चीज को डिटेल करने लगूं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यकीन जानिए कि जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है ये, जो मैं आपने क्लिनिक पर भी चलाता हूं। अब मिश्री जो है इसके अंदर वो 125 ग्राम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शुगर होती है वो मिश्री ना डाले, लेकिन अगर शुगर के बगैर किसी को शुगर नहीं है तो वो मिश्री जरूर डाले। इन तमाम चीजों को पाउडर करके रख लेना है। अब कैप्सूल नहीं इसके बारे में, क्योंकि कैप्सूल के अंदर मिकदार कम आएगी, इसलिए आपने इसको आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम, ये आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है, नीम गर्म दूध हो। अगर आपको दूध नहीं सही है, कुछ लोगों को यह होता है कि दूध पीने से गैस हो जाती है या उनको मोशन आते हैं, पखाने आते हैं, तो वो दूध के अंदर सौंफ बॉयल कर लें। अगर उसको नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते दूध को, तो नहीं इस्तेमाल करें, या पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप सिर्फ चाय की पत्ती का कहवा बाद में पी लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अब ये दूसरा जो माजून है, मैं उसकी फॉर्मुलेशन आपको लिख देता हूं, बाजार से भी वो मिल जाएगा, माजून अजराकी, माजून अजराकी। अब ये है कि मैं उसकी फॉर्मुलेशन भी लिख रहा हूं, अगर आप घर में खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बाजार से लेना चाहें तो वो बाजार से भी आप ले सकते हैं। उसकी फॉर्मुलेशन लिखता हूं मैं बनकर। ये दूसरी फॉर्मुलेशन आप देखें कि ऑप्शन 3 20 ग्राम, बालचर 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, जलवत्री 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, जड़ पान 20 ग्राम, अजराकी मुदब्बर
20 ग्राम, सुरंजा शीरी 20 ग्राम, ये तमाम अद्विया जो है वो बराबर वजन है। अब मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, मैंने पहले भी फार्मुलेशन लिखी, वो भी कमर की दर्द, पट्ठों की दर्द के लिए है, ये भी उसके साथ सपोर्ट देती है। हम दोनों कॉम्बिनेशन में जब देते हैं तो ये देखते हैं कि क्या इस मरीज को ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होता। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो उसको हम ये फार्मुलेशन नहीं देते। आप ये देख लें कि इसके अंदर बालचड़, अफसती, जायफल, जलवत्री, दालचीनी, जड़पन, अजराकी, मुदब्बर, ये तमाम चीजें ब्लड प्रेशर को हाई करती। जहन रखिएगा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता हो वो ये फार्मुलेशन इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो मैंने पहले बताई हुई है वही इस्तेमाल करें, असगंध वाली, ठीक है जी। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, वो लोग ये वाली फार्मुलेशन इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मुलेशन को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके दो तरीके, वो ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तमाम अद्वियात जो है वो 180 ग्राम बनती है। इसके अंदर आप 3 गुना 0, ये इतना 540 ग्राम जो है ना वो शहद डाल लें। शहद डाल के इसको इस्तेमाल करें, एक तो इसका ये तरीका है, शहद डाल के इस्तेमाल करें, आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम के टाइम पर। दूसरा इसका तरीका ये है कि इसके अंदर आप ये शहद ना डालें, इस तमाम अद्वियात को पीस लें और 500 mg का कैप्सूल भर लें। मैंने दोनों तरीके बता दिए कि अगर आपने माजून बनाना है इसका, तो तमाम अद्वियात को पीसकर उसके अंदर आप 3 गुना 3 गुना शहद डाल दें, चीनी नहीं होनी चाहिए, शहद होना चाहिए, शहद डाल दें और आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम के टाइम पर, और जो मैंने पहले असगंध नगोरी और सुंड वाली फार्मुलेशन बताई है उसकी भी आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम के टाइम पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शहद ना डाले, मजून ना बनाए, तो इस फार्मुलेशन का 500 mg का कैप्सूल खाएंगे, 1000 mg नहीं, सिर्फ 500 mg का कैप्सूल खाएंगे, क्योंकि अद्विया तमाम की तमाम जो है वो बहुत ताकत वाली है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इसका इस्तेमाल मैं फिर बता दूं आपको कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द होती है इस्तेमाल करें, पट्ठों में दर्द होती है इस्तेमाल करें, काम करने से थकावट ज्यादा हो जाती है इस्तेमाल करें, रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है इस्तेमाल करें, कमर के पट्ठों में दर्द होती है इस्तेमाल करें, अगर आप चलते हैं जोड़ों के अंदर टक टक की आवाजें आती हैं तो इस्तेमाल करें, अगर आपको हक्के जौजियत पूरी करने के बाद थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इस्तेमाल करें, मेरा अल्लाह रहमत फरमाएगा इंशाल्लाह तआला अजीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बने, मेरे ख्याल में मेरा लाइक तो बनता है यार, हम मेहनत करते हैं, इतनी देर बोलते हैं, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।